ये जो मौसम है इस समय व्यक्ति को खांसी जुकाम बुखार अगर हो जाता है तो वो एक ये जो नॉर्मल सी प्रक्रिया है लेकिन इस समय वक्त अलग है, तो ऐसे में व्यक्ति उसको कोरोना से जोड़े या इसको एक सामान्य रूप में दे। श्रोताओं नमस्कार, नम्रता जी नंदिनी जी आपको नमस्कार, हमारे साथी डॉक्टर प्रदीप को नमस्कार। साथियों ये कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है और इस सीजन में हमको जो कुछ भी लक्षण होंगे वो सब हमको कोरोना मान के रहना है। अगर हम सामान्य वायरस से भी संक्रमित हैं तो हम अलग नहीं कर पाएंगे कि हम कोरोना से हैं या सामान्य वायरस से, तो उस दोनों से फायदा ये है आइसोलेट हो जाने से, लक्षण आने से, बुखार आने से, छींक आने से, जुकाम होने से, कि हम सामान्य वायरस हो। तभी देखिए हम लोग जब आंख में लाली आती थी और वायरस से होती थी तो हम लोग अलग हो जाते थे, वैसे अलग हो जाएंगे। अगर कोरोना वायरस को मान के चलेंगे तो जो भी सावधानियां कोरोना वायरस की हम होम आइसोलेशन में लेते हैं वो लेते रहेंगे, तो कोरोना वायरस होने की स्थिति में बिना जांच कराए भी हम वो सारी सावधानियां बरतेंगे जो कोरोना वायरस पुष्ट होने के बाद होता है। और जब हम सावधानी बरतेंगे तो हम हैपी हाइपोक्सिया से बच सकेंगे। हैपी हाइपोक्सिया होता है कि अगर हम हमको सांस नहीं फूल रही है लेकिन हमारा पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन घट रही है, SpO2 घट रहा है, वैसे ही मास्ट हाइपोक्सिया। इस बार ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है सेकंड वेव में कि हम अगर सुबह और शाम 6 मिनट का वॉक करते हैं और टहलने के पहले और टहलने के बाद अगर ऑक्सीजन नापते हैं, अगर उसके 4% से ज़्यादा गिरावट या 94 से नीचे चला जाता है तो हम दोनों स्थिति मानते हैं कि हमको हाइपोक्सिया होने की संभावना है। और हम होम आइसोलेशन में जिस डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए अपना होम आइसोलेशन का इलाज ले रहे हैं, वो होम आइसोलेशन का मतलब सेल्फ केयर नहीं होगा। होम आइसोलेशन का मतलब है कि हम डॉक्टर की निगरानी में इलाज कर रहे हैं, तो हम उससे बात करेंगे कि हमको हैपी हाइपोक्सिया होने लगा है या मास्ट हाइपोक्सिया होने लगा है, तो वो तुरंत आपको सजेस्ट करेगा कि किस मोड पर कौन से दवा में परिवर्तन करना है या आपको अस्पताल में एडमिट होना है।